तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो थंबनेल में आपने देखा ही होगा क्या, मेडिकल की डिग्री को भी रिचार्ज कराना पड़ता है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। देखिए, जब आप बीएमएस कंप्लीट करते हैं या फिर एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं, तब आपको एक डिग्री दी जाती है। वो आप ऑल इंडिया रजिस्टर्ड कर सकते हो या फिर आप जिस स्टेट से हो वहां का रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो। जब आप डिग्री को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तब से लेके जिस दिन डिग्री रजिस्टर्ड हुआ है उस दिन से लेके जिस दिन 5 साल पूरा कंप्लीट होता है डिग्री का, उस दिन डिग्री को रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यू एक तरीके का रिचार्ज समझ लीजिए आप, जिसमें 700 से लेके 1000 रुपए तक भी लग जाता है। तो आपके जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, आज अपन सोचे कि अपने साइड ही से ही आप लोगों को ये जानकारी दे दिया जाए। वैसे तो ये सवाल आप लोगों ने पहले भी पूछा था, बट अपन इसका जवाब नहीं दे पाए थे। तो डिग्री में रिचार्ज होती है, रिचार्ज को आप रिन्यू बोल सकते हो। एक तरीके का वैलिडिटी रहता है, 5 साल का होता है, 700 से 1000 रुपये लगता है। वो आप अगर आप पे कर देते हैं, तो पे करने के बाद फिर से आपका डिग्री रिन्यू हो जाता है और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जैसे बीएमएस के डॉक्टर, बीएचएमएस के डॉक्टर्स हैं, जो स्टेट में तो रजिस्टर्ड हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी है, डिग्री भी सही है, बट वो ये रहा है कि अगर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 30,000 डॉक्टर्स हैं, तो उसमें से रिन्यू केवल 7-8 हज़ार डॉक्टर्स ही करवाते हैं। सभी डॉक्टर्स डिग्री को रिन्यू नहीं करा पाते। तो डिग्री को रिन्यू करा के ही प्रैक्टिस करना जरूरी है, नहीं तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? Thank you.